हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। चक्कर आने की समस्या में किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए? कोई आयरन सप्लीमेंट लें। अगर आपको आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया की बीमारी के कारण चक्कर आते हों तो आपको आयरन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं एनीमिया के दूसरे लक्षण जैसे थकान, सर में दर्द या रुक रुक के सांस ले पाना इत्यादि भी तो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। किसी भी आयरन सप्लीमेंट को लेना शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सेलेरी जूस पीना। अगर लो ब्लड प्रेशर के कारण चक्कर आ रहे हों तो सेलेरी जूस से इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। सेलेरी जूस आप किसी हेल्थ फूड स्टोर से ले सकते हैं या किसी जूसर का प्रयोग करके ताज़ा सेलेरी जूस भी बना सकते हैं। गिंगको बिल्लोबा। ये एक तरह का पेड़ होता है जिसका कई प्रकार की दवाइयों में प्रयोग होता है। गिंगको बिलोबा से चक्कर आने की समस्या में लाभ होता है क्योंकि इनसे इनर ईयर में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है। अदरक का प्रयोग करें। सैकड़ों सालों से अदरक का प्रयोग अनगिनत प्राकृतिक उपचारों में किया जाता रहा है जिसमें चक्कर और मिलती आने के उपचार भी सम्मिलित हैं। अदरक में चक्कर के शुरुआती लक्षणों को प्रकट होते ही इस रोग को समाप्त कर सकने की क्षमता होती है और इसके साथ साथ ये भी सिद्ध होता है कि अदरक के प्रयोग से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगता है और इस कारण भी चक्कर की समस्या का निदान होता है क्योंकि मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह का बाधित होना भी चक्कर आने का एक कारण है। शहद और सीडर विनेगर को पिए। 2 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर को 2 छोटे चम्मच शहद के साथ 1 गिलास गर्म या ठंडे पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लें। इससे ब्लड प्रेशर सही होता है और चक्कर आना भी कम होता है। चेतावनी। अगर आपको चक्कर आ रहा हो ऐसा काम न करें जिससे आपकी या किसी और की सुरक्षा में खतरा आए, जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ना, मशीनों को ऑपरेट करना या कार ड्राइव करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।